चौधरी चौधरी कौन हो तुम? एक डाकू। डाकू को नहीं पहचान रहा? क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम भी डाकू और मैं भी डाकू। सोचा बहुत माल कमाया है तुमने इस हवेली में, कुछ लूट लूं तुमसे। वैसे एक बात बताऊं, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शेरा है। शेरा? नाम सुना होगा, जंगलों का राजा। एक शेर होता है, उसी तरह इंसानों में एक शेरा है जिससे बड़े बड़े लोग डरते हैं। वैसे चौधरी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुमसे तो एक सौदा करने आया हूं मैं। कैसा सौदा? जान का सौदा। ये क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं? नाम सुनोगे तो शायद तुम्हें बेहूदी बातें अच्छी लगने लगेंगे। रेशमा। रेशमा? हाँ रेशमा। कौन रेशमा? इसी गांव की एक भोली भाली, एक छोटी जात की लड़की, अक्सर पानी भरने जाया करती थी। पर एक दिन अचानक उसको तीन कुत्तों ने, घेर लिया, चीड़ फाड़ कर दी उसकी। और वो मौत के घाट उतर गई। अरे देखो शेरा, इन फालतू बातों में हमारा वक्त जाया ना करें, और हम किसी रेशमा को नहीं जानते, जा सकते हैं आप। रुक जाओ ठाकुर साहब। चौधरी। ठाकुर? हाँ, तुम भी ठाकुर चौधरी और मैं भी ठाकुर। मेरी तुम्हारी जाति दुश्मनी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इंसान की जान की कीमत कितनी होती है? इंसान की जान की कीमत? इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं होती। चलो ये तो तुम्हें पता है कि इंसान की जान की कीमत नहीं होती, लेकिन गरीब मजदूर छोटे लोगों की जान की कीमत कोई नहीं होती, है ना? है ना? देखो शेरा, हम तुम्हें बता दें कि हमारे लिए जो हमारे गांव में जो छोटी जाति के लोग हैं, वो सिर्फ हमारे पैरों की धोबन हैं। हम कभी भी उनको अपने बराबर का सम्मान नहीं देते। अरे ये रीति रिवाज जो तुमने बना रखे हैं ना, ये बरसों से चले आ रहे हैं। अब शायद तुम्हें एक चीज, जिस जूते या चप्पल की बात कर रहे हो ना नीचे, जब वो अपनी बगावत पर आती है ना, तो ठाकुर साहब चौधरी साहब सर पे इतनी पड़ती है बेभाव कि इंसान नहीं ढूंढता कि कहाँ। खामोश, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, और कहाँ खड़े हो, किस जगह खड़े होकर के किस इंसान से बात कर रहे हो, ये सीखो। जानता हूं किससे बात कर रहा हूं, एक उस चौधरी से बात कर रहा हूं जो औरतों पे मजलूम होकर अपनी मर्दानगी दिखाता है। क्यों बंदूक ढूंढ रहे हो अपनी? शायद जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, तो मरा हुआ कुत्ता भी हाथी पे चढ़कर काटता है। आज तुम्हारी औकात भी उस मरे हुए कुत्ते की तरह है, जो काट तो रहा है लेकिन मरा हुआ है। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं के यहीं ढेर कर सकता हूं, लेकिन मैंने किसी से वादा किया है, इसीलिए कुछ नहीं कह सकता। एक बात बताओ, तुम इतना सब कुछ जानते कैसे हो? मैं तो सुल्तानपुर के एक एक बच्चे के बारे में जानता हूं, एक एक जगह पे जानता हूं। चौधरी रणवीर सिंह, चौधरी भानु सिंह ठाकुर, सारे लोगों को जानता हूं। तुम्हें आज से पहले तो कभी हमने इस गांव में नहीं देखा। इसीलिए तो इस गांव के अंदर आया हूं, सोचा तुम्हारी जान की कीमत लेकर तुम्हारी जान बख्शवा दूं। रेशमा, रेशमा जिंदा है। रेशमा जिंदा है? और रेशमा अपनी बगावत पे उतर आइए। अरे उसको तो हमने मार दिया था ना। मार तो दिया था ठाकुर साहब, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि जिस नदी में भेजा था उसने,
जिस नदी में तुमने फेंका था गलती से मेरे हाथ लग गई और वो मैंने उसको एक साल तक पाला पोसा, उसके जख्मों पे मरहम लगाया और आज जो जख्म थे आज बारूद बन गए। तुम्हारी मौत का इंतकाम लेकर वो अपने सर पर फेर रही है। देखो शेरा, अगर रेशमा जिंदा है और तुम उसके साथ उसकी बगावत करने पे उतरे हो। ना ठाकुर साहब ना। देखो चौधरी साहब, मेरी तुम्हारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें रेशमा लाके देता हूँ। 10 लाख रुपए दूँ और तुम मुझे रेशमा ला करके दोगे? हाँ। कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? खेल तो तुम लोग खेल चुके हो और मैं तुम्हारी तरह कमजर्फ नहीं हूँ। मैं जो भी खेल खेलता हूँ टंकिया की चोट पे खेलता हूँ, इससे पहले कि वो तुम्हारी जान ले ले। देख लो सेरा, सोच समझकर हमसे बातें करना। अगर हमने तुम्हारे हाथों से अगर अपनी ही बगावत को पाया तो हम तुम्हें मार भी सकते हैं। और हाँ एक बात और, तुम तो उसके साथी हो, तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो? डॉकू का कोई साथी नहीं होता। जब अपने पे बनकर आती है ना तो ना कोई साथी रहता है न डाकू। देख लो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुम 10 लाख रुपए दे सकते हो तो दो, वरना मुझे नहीं पता वो कब कहाँ किस जगह तुम्हें मारे। सेरा, हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे और हमें रेशमा जिंदा चाहिए अपने पास। तो ठीक है, कालीपाड़ी के जंगल के पास रेशमा तुम्हें मिलेगी। और हाँ, कोई हथियार कोई बंदूक लाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे सामने रेशमा को मार दूंगा। 10 लाख रुपए पक्का वादा करो हमसे। ठीक है ठीक है, तुम मैं 10 लाख रुपए। और हाँ एक चीज हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे दो ठाकुर है ना वो तुम्हारे साथ कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनके पास होकर आ रहा हूँ। वो तो मेरे सच्चे मित्र हैं। जब जान होती है ना तो कोई मित्रता नहीं दिखती। उन्होंने 20-20 लाख रुपए देके तुम्हें टारगेट बनाया ताकि तुम मारे जाओ। मैं तो 10 लाख की कीमत चुकाकर उस रेशमा को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। हवाले क्या, उस रेशमा को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वो जो ठाकुर है ना, देखते हो ना, किसी शेर को पकड़ने के लिए बकरी को छोड़ा जाता है। चौधरी, वो दोनों ठाकुर तुम्हें आज बकरी बनाकर छोड़ रहे हैं। मेरा क्या, 10-10 लाख रुपए वो देंगे, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मेरे मित्र मेरे साथ मेरी मौत की साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ना जाने कौन सी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और हाँ सेरा, मैं काली पहाड़ी के पीछे आज ही 10 लाख रुपए लेकर के पहुंचता हूँ। तो रेशमा की लाश उस वक्त तुम्हारे सामने पहुंचेगी। ठीक है, जिनको मैंने दूध पिलाया आज वही मुझे डसने के लिए तैयार हो गए, ऐसा नहीं होने दूंगा। शेरा, शेरा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर आ चुका हूं। लेके आयो 10 लाख रुपए, ये पकड़ो। मैं माल देख के बता देता हूं इसमें कितना पैसा है, पूरे 10 लाख रुपए हैं। जाओ आराम से घर जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी गई। बख्श दी गई? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम आजाद हो, जाओ। अरे बात रेशमा की लाश की हुई थी, रेशमा की लाश चाहिए मुझे।
क्या करोगे उस लाश को? दोबारा नदी में फेंकोगे ताकि फिर से जिंदा हो जाए? अरे मैंने उसके 4 गोलियां मारी हैं, यकीन नहीं आता? तो आओ मेरे साथ चलो। लगता है तुम्हें यकीन नहीं होता है, इसीलिए ये देखो रेशमा की लाश। वाह, अब तो खुश? अब मुझे विश्वास हुआ है कि ये मर चुकी है। क्योंकि ये वही रेशमा है। देखना चाहते हो उसकी शक्ल? दिखाओ। रेशमा, रेशमा। ये क्या बदसलूकी है? बदसलूकी नहीं है, ये वही रेशमा है ना जिसके साथ तुमने, रेशमा पहले मेरी बात सुनो। बातें तुम्हारे और मेरे बीच में ये हुई थी कि मुझे ये मरी हुई चाहिए। इतनी जोर अफजाई मत करो वरना इतनी गोली मारूंगा, याद रखोगे रेशमा? जी दादा। ये लो रेशमा। जिस तरह तुम्हारी इज्जत इसने खेला था ना उसी तरह। बेटा मुझे माफ कर दे रेशमा। बेटा मैं गुनहगार हूँ बेटा। बेटा मैं तो उन ठाकुरों की बातों में आकर के मैं पता नहीं क्या कर बैठा। और तो और तू तो मेरे गांव की बेटी है ना, तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। अच्छा हा? मेरे पीछे बेटी हूँ? गांव के क्या तेरी बेटी हूँ? तू अपनी बेटी की इज्जत लूट लेता है ना यही चौधरी? बोल चौधरी। मुझे छोड़ दे। कितनी बेटियों की इज्जत लूटी तूने? देख मुझे छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं? मुझे छोड़ दे। कोई फायदा नहीं है भागने का चौधरी। रेशमा तुम्हारी मौत का बदला पूरा हो गया, अभी बस एक एक करके सालों को दाना डालेंगे। अभी ये चौधरी मरा है, कल ठाकुर। कल वो ठाकुर। हाँ दादा। कल उसके घर पे हमला करेंगे, बाहर जितने लोग हैं मैं उन सबको देख लूँगा। तुम अंदर जाके उसी की हवेली में कुत्ते की मौत मारना साले को, कुत्ते की मौत। आओ। हाँ दादा। ठाकुर, ठाकुर। कौन? संजीत। ठाकुर तुम यहाँ जश्न मना रहे हो और तुम्हें पता है चौधरी का खून हो गया। चौधरी का खून? हाँ ठाकुर चौधरी का। लेकिन चौधरी को किसने मार दिया? यही तो पता नहीं लग पाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? लाश मिली है। लाश? बीच जंगल में। बीच जंगल में? लेकिन कल तक तो चौधरी हमारे साथ था। वही तो, इसी बात की तो चिंता है ना। तो उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही कोई ऐसा आदमी था जो चौधरी की तरफ नजरें भी ऊंची कर सके। इस गांव में ऐसा कौन सा हरामजादा है जो हमसे दुश्मनी पालेगा? वो तो बात सही है। लेकिन चौधरी को किसी ने मार दिया, कुत्ते की मौत, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। 4 गोलियां मिली हैं उसके शरीर। 4 गोलियां? बहुत बेरहमी से मारा है उसे। सुनो कहीं ये मौत का कोई सिलसिला तो नहीं? मौत का सिलसिला? अरे भाई ऐसे कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी चौधरी से हो और इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर दे? ऐसा कौन हो सकता है जो चौधरी को कुत्ते की मौत मारे? मैं तो ये कहता हूँ ये कोई रंजिश लगती है मुझे। रंजिश? तू कहे तो मैं तेरे पास रुक जाऊँ। चौधरी ठाकुर होकर ऐसी घटिया बात करता है? अरे ऐसा कौन है जिसकी हमसे रंजिश होगी? हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो रंजिश पैदा हो गई? ठाकुर तू मेरी बातों को समझता क्यों नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे चौधरी मारा गया है हम लोगों के साथ भी कुछ हो जाए। तू कहे तो मैं यहाँ रुक जाऊँ। तू रा साला डरपोक का डरपोक, अरे घर जा आराम कर। मैं डर देख नहीं, मैं चिंता कर रहा हूँ। अरे मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ, तू घर जा आराम से सो, और कोई बात हो ना तो मुझे बता दियो, मैं आ जाऊँगा। जा डर मत। ठीक है ठाकुर। अरे जा भाई जा।
चलता हूँ, लेकिन हाँ ख्याल रखना अपना। और अरे हम तो अपना ख्याल रख लेंगे। पीना मत, चलता हूँ। पीना मत साला, पूरी रात का जश्न अभी बाकी है, कहाँ कबाब मेट दिया गया। कौन कौन हो तुम और मेरे घर? पहचाना ठाकुर? तुम रेशमा हो और अभी तक जिंदा हो? शुक्र है, पहचान तो लिया। ठाकुर मैंने तो ये सोचा था तू मुझे मारकर मुझे भूल ही गया, लेकिन नहीं, तूने मुझे देखते ही पहचान लिया। अच्छा हुआ पहचान लिया, नहीं तो तू मर ही नहीं पाता, है ना ठाकुर? बेवकूफ, तू आज दोबारा मरने को ठाकुर के घर चली गई। गलती करी, तुझे उस दिन जिंदा छोड़ दिया, लेकिन आज तो बच के नहीं जाएगी। रंगा, ब्रजेश, सुभाष, अरे कहाँ मर गए हरामजादे? कोई नहीं आएगा। किसको ढूंढ रहा है ठाकुर? वही? अपने उन चमचों को? तुम कौन हो? मैं? मेरा नाम शेरा है। शेरा? खैर जान पहचान तो तेरी रेशमा के साथ है, मेरे साथ क्या? हमने सुना है कि यहाँ पर इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हो तुम, है? इतने ही मर्दानगी का शौक है तो औरतों के साथ मर्दानगी क्यों ठाकुर? मर्दों के साथ मर्दानगी करके देखो, तुम्हारी अपनी मर्दानगी पे तुम्हें खुद भरोसा उठ जाएगा। तुम कौन हो और मेरे घर में ये मेरे सारे साथी कहाँ हैं? तुम्हारे सारे साथी भगवान को प्यारे हो गए, किस किस की चिता जलाओगे? और हाँ, तुम्हारा एक साथी और था चौधरी। चौधरी को तूने मारा? चौधरी को मैंने नहीं, रेशमा ने मारा है। रेशमा ने? हाँ हाँ ठाकुर, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब चौधरी की मौत आई थी तो वो जंगल की तरफ भागा, और वहां रेशमा ने कुत्ते की मौत मारा उसको, कुत्ते की। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, मैं उस चौधरी की तरह हूँ? मैं ठाकुर दुर्जन सिंह हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठाकुर दुर्जन सिंह, तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम्हारी लाश के दर्जन टुकड़े कर देंगे हम, इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया था, हर उन मजलूमों का साथ दूंगा जिनके साथ अत्याचार हुआ है। और एक बात और, खैर कुछ याद दिलाया उसको? हरामजादे हाथ में हथियार लेकर अपने आप को मर्द साबित करना चाहता है। हरामजादे, तीन तीन मर्द एक औरत पे जुल्म करते हुए जब तुझे शर्म नहीं? अबे साले, देख आज तू अपनी मौत कुत्ते की मौत मरेगा। खैर काश अगर तू मेरा दुश्मन होता ना, तब तक तेरी लाश जमीन पे पड़ी होती। तू रेशमा का है, रेशमा इसके साथ क्या किया जाए? दादा जो करना है मैं कर लूंगी, आप जाइए। ठीक है, तुझे तो गलती करी उस दिन जिंदा छोड़। और हाँ, भागने की बार कोशिश मत करना, वरना ये गोली तेरे सर में इतनी मारूंगा ताकि लोग कहेंगे ये ठाकुर का सर है या किसी मॉल की छत्तियों का छत्ता। बोल ठाकुर। रेशमा, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? रेशमा देख रेशमा, जो हुआ वो एक बीता हुआ सपना था। अब देख, तू हमारे गांव की बेटी है रेशमा, वो तेरा घर भी तो मेरे पास पड़ा है, वो मैं तुझे सब वापस कर दूंगा, और मैं तेरा ठाकुर चाचा हूं। ठाकुर चाचा, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे ये मुंह से शब्द सुनकर। हाँ रेशमा, वो थे ना जो चौधरी और ठाकुर, उन्होंने मुझे बरगला दिया था। अच्छा? बस हाँ, तभी ये मुझसे, वरना तू तो मेरे गांव की बेटी है। बेटी? वाह, बेटी यही शब्द कह करना, तू मेरे दिल को भर देता है। बंदूक हटा ले। प्यारा लगता है तेरे मुंह से। रेशमा देख, तुझे रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बाहर नई नई गाड़ियां खड़ी हैं, सब तू ले जाए। अच्छा? लेकिन मेरी जान बख्श दे,
गाड़ी, पैसा, और वैसे भी एक रेशमा नाम की लड़की, एक नीच जात की लड़की थी ना, तू तो उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता था ना। और तो और, तेरा वो कुएं का पानी अशुद्ध हो जाता था मेरे छूने से, है ना ठाकुर? अरे कैसी बात कर रही है, तेरा ही तो कुआं है, तू खूब पानी भर ले वहां से जा। अच्छा हाँ, कुएं से पानी। एक काम कर ठाकुर, अब मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ, अरे मैं तेरे लिए पानी भी लाऊंगा और तेरी सारी बात मानूंगा, बस मेरी जान बख्श दे। जा लेकर आ। हाँ तू रुक, मैं भी पानी लेकर आया। रेशमा ले, ये उसी कुएं का पानी है। हाँ रेशमा। जी दादा। मुझे तो लगता है कि चारों तरफ से इन लोगों ने पुलिस को खबर करने की कोशिश की है। और हाँ, आज हरामजादा पानी लेके खड़ा है, कल तक तो इसके हाथ का कोई छुआ खाता नहीं था। रेशमा देख, जब मौत सामने आती है ना तो अच्छे अच्छे। रेशमा तू उसको गोली मारती है यम में उसको। दादा इसको सजा मैं दूंगी। रेशमा देख देख, तू हमारे गांव की बेटी और तू रेशमा मेरे सामने ये जज्बात में आ रहा है, टाइम वेस्ट मत कर, मार साले को। नहीं रेशमा नहीं, मार नहीं रेशमा मार। चल रेशमा, इससे पहले कि पुलिस यहां तक पहुंचे अभी एक कुत्ता और बाकी है। चल चलो दादा। ठाकुर बंधु, और तुम कौन हो? जान पहचान बढ़ाने ही आया हूँ ठाकुर। कैसी जान पहचान? अरे तुम्हारी जान बख्शने आया हूँ मैं। मेरी जान बख्शने? हाँ तुम। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। जिस चौधरी को तो जानते थे, कुत्ते की मौत मरा था है? तो उसको तुमने मारा? हाँ मैंने नहीं मारा, अगर मैं मारता ना तो तुम जिंदा नहीं रहते। मतलब चाहते क्या हो तुम? चाहता यह हूँ कि मुझे, मैं तुम्हें बता दूंगा कि चौधरी को किसने मारा है। किसने मारा है? तुम तीन लोगों ने, है ना? एक लड़की को मारा था, रेशमा याद है? इसी गांव की थी, सुल्तानपुर की, एक सीधी सादी भोली भाली छोटे से परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक छोटी जात की लड़की। उसको बड़ी बेरहमी से मारकर नदी में बहा था। और तो और, उस मासूम के साथ बड़ी गंदगी भी की थी। देखो मैं तुम्हें जानता तो नहीं, लेकिन बोलो क्या कीमत चाहिए? जान की कीमत कितनी दे सकते हो अपनी? सारी दौलत। कितनी? सारी दौलत। जितनी दौलत तुम्हारा बड़े ठाकुर ने दी थी। बड़े ठाकुर ने? हाँ मतलब। लेकिन बदले में क्या मिला? मौत। बड़ा ठाकुर मारा गया? बड़ा ठाकुर भी मारा गया, एक दो और अब तीन। देखो मुझे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो सकता। मेरा फायदा नहीं होगा, किसी और का फायदा होगा। मतलब जिस तरह तुम लोगों ने एक मासूम की जान ली थी ना, वही आज फौलाद बनकर तुम्हारी जान ले रही है। रेशमा जिंदा है? हाँ रेशमा जिंदा है। और मैं जानता हूं कि रेशमा इस वक्त कहाँ है। कहाँ? रेशमा एक ऐसी जगह है, देखो तुम भी डाकू, तुम पुलिस की नज़र में साफ सुथरे डाकू, और मैं एक पुलिस की नज़र में गुंडा डाकू। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो, जो मांगोगे वो मिलेगा, जितना धन जितनी दौलत तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, पर हाँ उस रेशमा को मार दो। उस रेशमा की खोई हुई इज्जत ला सकते हो? खोई हुई इज्जत? उस रेशमा के वो दिन ला सकते हो जब इस गाँव के अंदर इज्जतदार जिंदगी जी रही थी, ला सकते हो वो? ठाकुर जितना जुल्म तुमने इन इन गांव वालों पे किया था ना, उतना ही जुल्म
आज तुम्हारे साथ होने जा रहा है। खैर तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, चिंता मत करो। जब तुम्हारी मौत सामने आई तो तुम्हारी सारी हैकड़ी निकल गई। खैर मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जान बख्शने के 10 लाख। तुरंत अभी इसी वक्त देता हूँ, लाता हूँ। क्या हुआ ठाकुर, तेरी आँख फटी की फटी क्यों रह गई? देख रेशमा, तेरा कोई फायदा नहीं है मुझे मारने में। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है मेरा। तुझे मैं अपनी सारी दौलत दूंगा। दौलत? हाँ, पुलिस से भी बचा लूंगा। तेरा अच्छा? कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस मुझे छोड़ दे। ठाकुर मुझे दौलत नहीं चाहिए। आ गया तू? रेशमा तू इसको नहीं मार सकती, क्योंकि तू नहीं जानती मैंने इससे सौदा किया है। ठाकुर मेरे 10 लाख रुपए मुझे दे। ये, और रेशमा एक बात सुन लेना, तू कितनी बड़ी डाकू सही, एक डाकू डाकू को लूटने में बड़ा मजा आता है। ठाकुर निकल निकल जा। ठाकुर मैंने तेरी जान बचाई है, अब तू सिर्फ एक ही जगह जा। वो सामने नदी देख रहा है ना? हाँ हाँ। वो नदी जा, जा भाग जा उधर से। ठाकुर रुक जा, तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। कहाँ तक भागेगा कुत्ते? देख पहचान ये जगह, ये वही जगह है जहाँ तूने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। देख जाने दे मुझे, जाने दे। हाँ ये वही जगह है, जाने दे मुझे, जाने दे। तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, जाने दे मुझे रेशमा। तुझे जाने दूँ कमीने, तुझे जाने दूँ? तू मेरे हाथों से तो बच ही नहीं सकता। रेशमा तुम्हारी मौत का बदला पूरा हो गया। हाँ दादा, आज मेरे दिल को सुकून मिल गया, ठंडक पड़ गई मेरे दिल को। रेशमा एक चीज और, तुम जानती हो कि तुमने कत्ल किए हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने भी कत्ल किए हैं। शायद भगवान ने मुझे आज के दिन के लिए मुझे जिंदा छोड़ा था। रेशमा आज सुल्तानपुर के अंदर हर जात का आदमी सांस लेगा, सारे अत्याचार आसपास के गांव के ख़त्म हो गए। अब मेरी और तुम्हारी मंजिल भी ख़त्म होने जा रही है। हम लोग अपने आप को कानून के हवाले करके अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। हाँ दादा मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज इन तीनों कुत्तों को मारकर अपने आप को इंसाफ दे दिया। अब चाहे मुझे पुलिस पकड़े, चाहे मुझे कानून के हवाले करना पड़े, चाहे कानून कोई भी सजा दे, उस सजा को हम मंजूर करेंगे रेशमा। वो भी हंसते हंसते। चलो चलिए दादा आओ।